साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हुई और 12 अक्टूबर को रावण दहन तक जारी रहेगी। इस साल महाअष्टमी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन का खास महत्व है क्योंकि देवी महागौरी की पूजा की जाती है। हम आपको इस वीडियो में महाअष्टमी से जुड़ी एक खास बात बताने वाले हैं। दरअसल इस साल महाअष्टमी के दिन 50 साल बाद खास योग बना है। खास तौर पर 3 राशि वालों के लिए ये योग बेहद शुभ होने वाला है। इस पूरी जानकारी के लिए लोकल 18 ने देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुदगल से खास बात की। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुदगल बताते हैं कि इस साल नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। ग्रह गोचर की बात करें तो बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। ये तीनों योग मिलकर 3 राशियों की किस्मत चमकाने वाले हैं। 3 खास राशियों पर देवी दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। इस बार नवरात्रि जो है 2024 का महाअष्टमी जो है शुक्रवार को लग रहा है। इस दिन बहुत दिनों के बाद ऐसा संयोग बैठ रहा है कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग और बुधादित्य योग भी लग रहा है उस दिन। पंडित नंदकिशोर मुदगल ने उन 3 राशियों के बारे में भी बताया जिन पर खास कृपा रहने वाली है। तो वो 3 राशि है मेष, कर्क और कन्या। मेष राशि व्यापार में तरक्की, फंसा हुआ धन प्राप्ति, कोर्ट में सफलता और संतान से शुभ समाचार मिलने की संभावना। कर्क राशि करियर में वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन, छात्रों के लिए पढ़ाई में सफलता और मानसिक तनाव में कमी। कन्या राशि पारिवारिक जीवन में शांति, महत्वपूर्ण कार्यों में पिता का सहयोग, आध्यात्मिकता की ओर रुचि और शेयर बाजार में निवेश से लाभ। अष्टमी के दिन माता का पूजा करें, इससे इस ऐसा संयोग जो बना हुआ है इससे 3 राशि वालों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है। 3 राशि वालों के ऊपर माँ की विशेष कृपा होगी क्योंकि महाअष्टमी इस बार जो शुक्रवार को पड़ा है इसमें 3-3 दुर्लभ जो बहुत दिनों के बाद मिला है, इससे 3 राशि वाले के भाग्य चमकेंगे। वो 3 राशि वाले हैं मेष, कर्क और कन्या। ये 3 राशि वालों का दुर्गा पूजा के बाद निश्चित रूप से भाग्योदय होने वाला है। यह भाग्य चमकने का अवसर है। यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में धन निवेश करें और बिजनेस को आगे बढ़ाएं। घर में शांति का माहौल बना रहेगा। माता दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करें, आपको लाभ। इन राशियों के जातकों के लिए इस साल की नवरात्रि बेहद शुभ रहने वाली है। देवी दुर्गा की कृपा से सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे लोकल 18।